हाँ हेलो भाई, अबे 5 दिन बाद मॉडल टेस्ट की कुछ पढ़ाई की है तूने? अरे नहीं यार, कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत टेंशन है यार। अरे तो कुछ तो सोचा होगा यार। अरे रट्टा मार लेंगे यार। रट्टा कहाँ मिलेगा ये रट्टा? अरे जो तेरे घर के बगल में छोड़वा नहीं रहता है, उसी का नाम तो है रट्टा। अच्छा ठीक है, शाम को मिल। हाय एवरीवन, आज है December 21st। लॉकडाउन के बाद हमारे स्कूल का पहला दिन, और आज का जो व्लॉग है वो भी पूरी तरह से नैरेटिव होने वाला है। बट आई मेक श्योर यू एन्जॉय इट, और समवेयर इट्स गोना बी इंफॉर्मेशनल टू, बिकॉज यू विल गेट टू नो अबाउट माय स्कूल ऑफ विच आई एम सो प्राउड ऑफ। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं हमेशा ऐसा छत पर आकर क्यों व्लॉग शूट करता हूँ अपना, तो उसका एक रीज़न तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बता ही दिया था कि सिर्फ इसलिए मैं छत पे व्लॉगिंग करता हूँ क्योंकि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वाओ, क्रोज बिहाइंड मी। और दूसरा रीज़न है डे लाइट। तो क्या होता है ना कि मेरे बेडरूम में उतनी लाइटनिंग नहीं है जितनी कि मुझे यहाँ मिल जाती है। वाओ। और अभी मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया, अभी मुझे नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट करना है और स्कूल के लिए निकलना है। सो लेट्स डू द ब्रेकफास्ट। ऑडियो जंगल। पैंट वगैरह सब छोटा हो गया, तो अभी स्वैग को मारो गोली। रास्ते में बहुत ठंड होने वाली है, मैंने अपना मफलर ले लिया साथ में। स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं होता है। अलाउड नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, स्कूल में बिल्कुल मोबाइल नहीं ले जाना है किसी को। हाय डीएवी, आई एम कमिंग। So I've reached my school and it looks so good. COVID guidelines का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और हमारे मेरे पीछे महात्मा गांधी की स्टैचू है। So I'm so happy and glad to see everyone. So इस स्कूल का प्रोडक्ट मैं पिछले 12 साल से हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। आई मीन देख रहे हो कितना स्मार्ट हो गया हूँ मैं। हाँ, क्रेडिट गोज टू दिस स्कूल ओनली। अबे साले, सो दिस इज वेयर आई स्टैंड। होता क्या कि जैसे ही मैं गेट के अंदर आया, हमारा टेम्परेचर चेक हुआ, उसके बाद हमें सैनिटाइजर लगाया गया, और फिर हमें एंट्री मिली। और गेट के बाहर साफ साफ लिखा है कि मास्क के बिना कोई एंट्री नहीं है, मास्क के बिना नो एंट्री है। नहीं मतलब हम जल्दी आ गए थे और तुम लोग का वेट कर रहे थे। ये डीएवी का टॉयलेट है, कहीं कहीं येलो, कहीं कहीं साफ, लेकिन सबसे साफ है कह सकते हैं। देख हम लोग कितने डिसेंट, हम लोग टॉयलेट में भी मास्क नहीं उतारते। तो फिलहाल मैं हाथ धो रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे लिए सब लोगों का सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। ये पता नहीं हैंड वॉश है ये सैनिटाइजर। अभी मुझे जाकर एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में अभी शायद 20 मिनट्स हैं, तो 20 मिनट्स जाकर हमें क्लास में सेटल होना है, और उसके बाद हमारा मॉडल टेस्ट शुरू होगा। सो सी यू आफ्टर द मॉडल टेस्ट। और अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, और अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा गया। आई थिंक आई विल स्कोर 30+, 80-90% आई गेस आउट ऑफ 40।
तो फिलहाल मैं स्कूल से निकल चुका हूँ और स्कूल के सामने काफी भीड़ थी तो मैं वहाँ पर कैमरा नहीं निकल पाया, तो वहाँ पर फुटेज नहीं मिला अपना, लेकिन काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए मुझे, हाय हेलो हुआ। फिर क्लासरूम में मुझे मौका नहीं मिला कैमरा निकाल कर कुछ शॉट्स ले लेने का, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। डाउट क्लियरिंग सेशन जो नोटिस पे लिखा हुआ था वैसा तो नहीं था, लेकिन टेस्ट देने के बाद पढ़ाई हुई थोड़ी बहुत। 3 पीरियड तक पढ़ाई हुई, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी। तो 3 पीरियड कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, पढ़ाई होती रही और हम लोग पढ़ते गए, सर लेक्चर देते गए, हम लोग सुनते गए। तो अभी काफ़ी दूर पहुंच चुका हूं मैं, सामने चौक पर पापा का वेट करना है मुझे। मैंने उनको कॉल कर दिया लेकिन मैं भूल गया था कि उनको मैंने नहीं बताया कि मैं मोबाइल फ़ोन लेकर आया हूं। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने देखा होगा घर का नंबर है, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मोबाइल लेकर आए हो। तो 1:30 में छुट्टी ली गई थी, अभी 1:28 हो गया और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हुआ। लाइन के सामने से ऐसा हम लोगों को निकाल दिया गया था। बहुत अच्छा एग्जाम था। So this is my English question paper and the questions were very easy, just like my preparation. और आज हमें क्लास में ये भी बताया गया कि DAV हजारीबाग is considered to be the best schools in the world. not in the world. इसको और भी best बनाना है, bestest. तो स्कूल में ना सब normal था, वो check हुआ temperature, फिर बस sanitizer हाथ में लगाया गया, फिर क्लास में गए, सब social distancing तब तक सब follow कर रहा था, mask वास्क सब पहना हुआ था। लास्ट तक सब कुछ ठीक हुआ, लास्ट में भी ऐसा, हम लोग डिपार्चर के टाइम पे अच्छे से लाइन बना के दूर दूर रह के प्रिंसिपल सर सामने खड़े थे, सबको भेज रहे थे लाइन से, और फिर जब गेट से बाहर निकले तो भसा, सब एक दूसरे से सटा हुआ था, पूरा भीड़ जो नॉर्मल में नहीं तो उससे ज़्यादा भीड़ था, और गेट के बाहर कोई था ही नहीं, वैसा कोई पेरेंट्स खड़े थे और सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भटक रहा था, हम भी खोज रहे थे। हम क्या किए ना कि फ़ोन लेकर गए, सबसे पहले वॉशरूम में अपना इंट्रो वगैरह दे दिए कि मैं स्कूल पहुंच चुका हूं एवरीवन, उसके बाद फिर फ़ोन को बैग में डाल दिया, वॉशरूम से निकले, ऐसा सैनिटाइजर हाथ लगाते हुए एक्टिंग करते हुए बाहर सब देखा, बढ़िया सब्सक्राइब हाँ वीडियो, उसके बाद फिर बाहर गए, वहाँ पर अपना बैग रख दिए जहाँ पर रखने के लिए बोला गया, बैग ऐसा अंदर डेस्क के नीचे रख दिया ताकि कोई देख ना पाए। तो क्या होता है ना एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पढ़ के नहीं जाओगे स्कोर कर लोगे, पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है मेरी तरह। क्लास में मतलब सवाल पूछा जा रहा था, प्रभाकर सर ना, प्रभाकर सर एक क्वेश्चन पूछते कि बाबर नामा किसने लिखा है, तो मेरे पीछे जो बैठा था साकेत वो कहता है कि बाबर, तो कोई सुना नहीं पहले, तो मुझे बोलते अच्छा बाबर, तो सर बोलते सर एक किसने दिया, साकेत, अच्छा साकेत खड़े हो और क्वेश्चन पूछे, फिर पूछते हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो साकेत कहता है हुमायूं, नहीं 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 हर बार सेम क्वेश्चन नहीं होगा, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा है, उनकी सिस्टर ने लिखा है, बेगम ने, कौन सी बेगम पता नहीं, बाबर की बेटी है तो मेरी बहन एन, तुम लिखेगी अक्षत नामा कभी हुमायूं की बहन की तरह? आफ्ताब सर इतना लंबा लेक्चर दिए ना, पहले टॉयलेट तक जाए तो एक पीरियड हो गया, फिर पूना मैम का पूरा पीरियड हम ऐसे बिना प्रेशर के चले गए, उसके बाद आफ्ताब सर आए पॉलिटिकल साइंस, तो वो पूरा एक घंटे का लंबा लेक्चर दिया, और जब वो बोलना शुरू किए थे उसके 5 मिनट बाद ही हमको टॉयलेट लग गया था, फिर जैसे 1 घंटा बाद उनका लेक्चर ख़त्म हुआ हम भाग गए ऐसे ऐसे लंगड़ाते हुए। हाँ सबसे मिला था, हम चल कर जा रहे थे ना, पीछे एक लड़का है चश्मा पहना था और हेल्दी सा, वो कहता है कि और अक्षर भैया 870 सब्सक्राइबर था, कौन है यार पॉपुलैरिटी बढ़ रहा, फिर उसको करेक्ट कर दिया, 871 ने 878 है लेटेस्ट, तो कहते अच्छा 878 लास्ट टाइम जब वो देगा तो 871 था, तो उसका नाम मैंने नहीं पूछा, अगर नाम अगर तुम्हें अपना नाम पता है तो वो कमेंट कर देना, डाउट क्लियरिंग सेशन से तो भाई मतलब होता अच्छा बंद हो गए।